वर्ष पूर्व प्रकाशित मेरे व्यंग्य संग्रह खोजी मिले गुमक्कड़ से ये कुछ से रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जन सरोकार मंच के श्री देवेंद्र जोशी ने ये प्रसारण आपके सामने हर शुक्रवार को करेंगे। तो इस बार की जो रचना है उसका शीर्षक है सफेद हाथियों का तांडव नृत्य। उन दिनों खोजी जी की डायरी मेरे हाथ लग गई। डायरी का लंबा लेखन पढ़ा तो अजब ज्ञान वर्धन हुआ। लिखा था, ऐसा भी समय आ गया जब इस देश के नेताओं के पास या तो कोई काम नहीं है अथवा वे पूर्णतया निकम्मे हो चुके हैं। वे भयानक रूप से क्रूर और संवेदनहीन बन चुके हैं। इतने खाए अगाए और पेटू हो गए कि उनके शरीर की चर्बी यदा कदा इतना जोर मारते है कि वे आपस में मल्लयुद्ध करने लगते हैं और एक दूसरे का गिरेबान पकड़ते हैं। मेरी कमीज से उजली की तान छेड़ते हैं। सदन में घंटों गाली गलौज करने एवं हाथापाई करने का विश्व में रिकॉर्ड स्थापित करने में लगे हैं। अपना रिकॉर्ड स्वयं ही तोड़ते हैं, किसी अन्य देश के सांसदों की यह हिम्मत नहीं है। कहने के लिए यह जनसेवक है किंतु मालिक बनी जनता इनसे भयभीत रहती है। पंचायत से लेकर संसद तक एक ही वेशभूषा और समान व्यवहार है। सफेद झूठ का प्रचलन इन्हीं लोगों की बदौलत समाज में आया। ये शोध का विषय हो सकता है कि सफेद लिबास में कौन कितना काला है। बाबा तुलसीदास की चौपाई इस युग में पिट गई कि सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। वास्तविकता तो ये है कि समाज में निकम्मे धूर्त बेईमान और झूठों की पांचों अंगुलियां घी में हैं। कठिन परिश्रम करने वालों के बच्चे अध नंगे और भूखे ही सो जाते हैं। 5 वर्ष में एक बार ये लोग जनता के पास आते हैं और वातालता तथा धूर्तता से अगले 5 वर्षों के लिए लाइसेंस ले जाते हैं। इनमें अधिकांश मूर्ख लोभी कामी हैं। मंच पर बैठने और भाषण देने की असीम भूख है। किसी भी विषय पर होने वाली विचार गोष्ठी के ये मुख्य वक्ता बनते हैं। विषय चाहे विज्ञान साहित्य या पर्यावरण का हो, इनके व्याख्यान रटे रटाए होते हैं। इन्हें स्वयं भी पता नहीं होता कि वे क्या बोल रहे हैं। मंच पर बैठे हुए किसी अन्य को सुनना ये अपनी तोहिन समझते हैं। कोर्ट कचहरियों और अन्य सरकारी दफ्तरों के आसपास इनके युवा चेलों की जमात मंडराती रहती है। प्रत्येक के पास गाड़ी और मोबाइल होता है। इनके आय का स्रोत प्रकट में कुछ भी नजर नहीं आता। प्रशासन के लिए ये दलाल वर्ग बेलगाम का घोड़ा है। प्रजातंत्र में ये कीमती मोती है। जितने दल बढ़ते हैं उतने दलाल तैयार मिलते हैं। ये रातों रात पाला बदलने माहिर होते हैं। जिन्हें किसी कारणवश राजनीतिक दलों में जगह नहीं मिलती, वे जातीय संगठन बनाकर मंच हथिया लेते हैं और समाज से ही कहलाने लगते हैं। ये आश्चर्यजनक है कि स्वतंत्र भारत में रातों रात अनेक जातियों पर संकट के बादल मानो घिराए हों। संगठन बनाकर वस्तुतः ऐसे समाज से ही अपनी जाति को लूटकर समाज से ही बनते जा रहे हैं। कुछ साक्षर ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो स्वयं को अखिल भारतीय कुक्कड़ कवि अथवा कलम घसीटू साबित करने में लगे हुए हैं। कोई साहित्यकार लिखता तो कोई इतिहासकार। प्रमाण पत्र बेचने वाली मंडियों से इन्होंने संपर्क कर लिया और स्वयं को डॉक्टर लिखने लगे। यह झोला साहब डॉक्टरों से भी अधिक खतरनाक साबित हुए क्योंकि इनका एक धंधा था नकल करके कागज काले करना और गहना फैलाना। ऐसे कलम घसीटों ने अपनी जातियों का उद्गम स्थल किसी पौराणिक नायाब देवपुरुष से स्थापित कर लिया है और गर्व से इतराते हैं। अजीब है, इस सब जातियों का संबंध उच्च कुल से स्थापित करते हैं लेकिन लोकतांत्रिक भारत में एक जाति का दूसरी जाति से पिछड़ने का रुझान हो रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा कि जातीय कबीले देश के हैं
या ये कबीलों का देश है। इन जनसेवकों, समाज सेवियों और जातीय मसीहाओं की गाड़ियों के आगे कोई न कोई नेम प्लेट लगी रहती है। किसी का भी पद अध्यक्ष या सचिव से नीचा नहीं होता। जब इनकी गाड़ी सड़कों पर दौड़ती है तो भीतर बैठे जेंटलमैन आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहते हैं कि राहगीर इनके नेम प्लेट पढ़ रहे हैं या नहीं। कोई राहगीर ध्यान नहीं देता, वे मन ही मन उसे गाली देते हैं। कोई भला आदमी प्लेट पढ़कर उनके दर्शन भी करता है तो ये तन कर बैठ जाते हैं। रात को इनकी गाड़ियां जब स्मगलिंग के पुण्य कार्यों में लगती हैं तो पुलिस इनकी नेम प्लेट देकर तलाशी लेने की हिमाकत कैसे करे। इन सब के आदर्श राजनेता बन गए। पंचायतों से लेकर जिला परिषदों की मीटिंग में ये अपने नेता के अनुरूप धमा चौकड़ी मचाने में गर्व महसूस करते हैं। जब कभी संसद अथवा विधानसभा में इनका नेता फूट तरीके से नाम कमाता है तो ये कहते पाए जाते हैं कि नेताजी ने आज ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। तब इन चेलों को चरम सुख की अनुभूति होती है। इस प्रकार यह तांडव टॉप टू बॉटम आदर्श के रूप में भारतीय राजनीति में ग्रहण कर लिया गया है। विधानसभा सदस्य सांसदों की नजीर पेश करते हैं तो जिला स्तर और पंचायत में विधायकों का यह आदर्श आचरण पथ प्रदर्शक बनता है। बड़ी सदनों में बड़े जटायु जब चौं तो लड़ा सकते हैं तो जिला स्तर के युवाओं को कौन रोके। आखिर देश का भविष्य तो यही है। बूढ़े नेताओं का ऐसा आशीर्वाद युवा पीढ़ी ने तेजी से ग्रहण किया है। ये भी अजीब लगता है जब युवा जनसेवक तांडव की शिक्षा वृद्धों से ग्रहण भी करते हैं और उन्हें निष्क्रिय साबित कर उनका स्थान लेने को मचलते रहते हैं। युवाओं का तर्क रहता है कि वृद्ध नेताओं में ऊर्जा न होने से तांडव नेतृत्व में वो पहना पर नजर नहीं आता। सदन के माइक और शिष्य टूटते क्यों नहीं। स्वतंत्रता 60 वर्ष पश्चात उस दिन संसद में युवा बाबाओं और वृद्धों ने वित्त मंत्री के मुंह से एक नया शब्द सुना, कृषि। वित्त मंत्री ने अपने मोटे चश्मे से घूरते हुए गहरी मुस्कान के साथ संसद को बताया कि अब किसान किसान का खेल खेलना आवश्यक हो गया है। इस पर सत्ता पक्ष ने देर तक तालियां बजाई, विपक्ष भौचक रह गया क्योंकि यह तो उसका प्रिय खेल था। तालियां खत्म होने पर वित्त मंत्री के मुंह से फूल गड़े, हमारे माननीय कृषि मंत्री नजर नहीं आ रहे। संसदीय मंत्री ने गर्व से उत्तर दिया, श्रीमन हमारे कृषि मंत्री क्रिकेट बोर्ड की अध्यक्षता करने गए हैं। कृषि मंत्रालय जैसा खुश्क विभाग उन्हें रास नहीं आ रहा है। वित्त मंत्री ने अच्छे मूड का परिचय देते हुए कहा, क्रिकेट और किसान की एक ही राशि है, दोनों का खेल एक साथ चलना चाहिए, दोनों जरूरी है। किसान खेत से व्यस्त रहेगा और उनके आवारा और बेरोजगार बेटे को क्रिकेट देखने में आनंद आएगा। इस मंत्र को कृषि मंत्री ने टीवी पर सुना। उन्होंने क्रिकेटरों से पूछा, जिस गेहूं की चपाती तुम खाते हो मालूम है वह कहां से आता है। बोर्ड के सचिव ने तपाक से उत्तर दिया, सर ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है, भारत का गेहूं हमारे खाने लायक नहीं होता और आपको भी फायदा होता है। कृषि मंत्री थोड़ा शर्माए, बोले कभी कभी आप लोगों को भारतीय गेहूं भी खाना चाहिए। कप्तान ने सुझाव दिया, सर जो खिलाड़ी अच्छा नहीं खेले उसे भारतीय गेहूं की चपाती दी जाए। कृषि मंत्री ने जो क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं इस अमूल्य सुझाव पर अपनी सहमति दी और सचिव को इसे नोट करने को कहा। बोर्ड के एक सदस्य ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, सर वित्त मंत्री के इस बयान के बाद आप क्रिकेट पर अधिक ध्यान कैसे दे पाएंगे। कृषि मंत्री हंसे, मैं क्या खेत में काम करूंगा, दोनों खेल साथ साथ चलेंगे, किसान का तो झुंझुना ही बजेगा, असल काम तो क्रिकेट का ही होगा, मैं क्रिकेट के माध्यम से ही देश सेवा करता रहूंगा। इस पर बोर्ड सदस्यों और चुलबुले क्रिकेटरों की तालियों से हॉल गूंज उठा। क्रिकेट सम्राट की जय घोष का आनंद पत्रकार भी उठाने लगे। इसके बाद तो ये मंत्र पूरे देश में फैल गया कि अब कृषि पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन किसानों ने पता नहीं इसे क्यों नहीं समझा, वे अपना आत्महत्या वाला खेल बराबर खेल रहे हैं। इस कारण देवराज इंद्र का सिंहासन भी डोल उठा था। स्वर्ग की अप्सराओं के बीच लेते इंद्र ने झुंझलाकर
वरुण देवता को तत्काल आदेश दिया कि देवों की पुण्य भूमि भारत धरा को भिगो दिया जाए। जल देवता ने हड़बड़ाहट में पानी के साथ औरों की बौछार कर दी। किसान चीख उठे। पानी के अभाव में मुरझाई फसल औरों से नष्ट हो गई। तब राज्य की विधानसभा में भी हलचल हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष किसान किसान चिल्लाने लगे। सत्ता पक्ष किसानों की सहायता पर विचार करने लगा और ये बात विपक्ष को अखरी। उनकी मांग के बिना किसान समस्या पर विचार कैसे हो सकता है। वे सदन में तांडव नृत्य करने लगे और सदन की कार्यवाही को रोक दिया। उनका कहना था कि किसान पर आंसू सिर्फ विपक्ष ही बहा सकता है, क्योंकि किसानों के कष्ट सत्ता पक्ष जानता ही नहीं। इस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि विपक्ष 50 साल तक सत्ता में रहा है, यदि ये लोग किसानों के शुभ चिंतक होते तो कष्ट की ये दुर्गति क्यों होती, हम इनकी बात भी नहीं सुनेंगे। भारी शोर शराबे के बीच नेता विपक्ष ने आसन को संबोधित किया। महोदय, हम भी यही बात कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष को कभी किसानों के कष्ट का आभास ही नहीं होता। इस पर आतापाई शुरू हो गई। भूत साथों द्वारा लाशों पर नृत्य करने का वर्णन हमारे पुराने ग्रंथों में मिलता है। ये सतयुग की बातें हैं। कलयुग में जनसेवक मरणासन किसानों के नाम पर भी ठुमकते दिखाई देते हैं। इतना पट पाया कि सरदार बंता सिंह दौड़ता हुआ आया। बोले, ओए बापे, साधा गुरु आ रहा है, बंद करो इस डायरी को। खोजी जी का मूड आज अच्छा था। बोले, घुमक्कड़, आज मैं तुमसे चाय नहीं पीऊंगा, बल्कि तुम्हें घुमाकर लाऊंगा और गांव में खीर चूरमा भी खिलाऊंगा। मैं समझ नहीं पाया कि खोजी जी ये दूर की कोड़ी कहाँ से ले आए। आश्चर्य से उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगा। बैठकर उन्होंने सिगरेट जलाई तो मैंने पूछा, गुरुवर खोल कर बताओ माजरा क्या है। खोजी जी ने धुएं का छल्ला बनाते हुए कहा, बर्फरदार, जिलेवार किसान रात कमेटी का गठन किया गया है, मैं उसका सदस्य हूँ। आज प्रभारी मंत्री का दौरा है, ये जायजा लिया जाएगा कि खेती का कितना नुकसान हुआ है। पत्रकारों की टीम मैं लेकर जाऊंगा, बाहर जीत खड़ी है। ओए गुरु, आज तो बल्ले बल्ले हो गई। चेक के सरदार बंता सिंह ने बंगड़ा नाचना प्रारंभ कर दिया। सरदार जी, गंभीर मसले में मुसल नहीं बनना चाहिए, अपनी गद्दी पर बैठ, खोजी जी ने एक तरह से डपट दिया। ओ बादशाह, खीर चूरमा साढ़े वास्ते भी लाना, सरदार जी ने कहा। बंता सिंह, किसान बर्बाद हो गए और तुम्हें खीर चूरमे की पड़ी है, मैं भी पूरी तरह गंभीर होकर बोला। बापे, गुरु ने अभी दस्या है ताई कैरिया सी, नहीं तो मैं भी एक किसान का पुत्र हूँ, कहता हुआ सरदार जी चला गया। हम दोनों बाहर आ गए, देखा जीप पत्रकारों से लदी ही थी। ये लोग हंस रहे थे जैसे पिकनिक में जा रहे हों। हमें देखते ही एक पत्रकार बोला, जल्दी करो गुरु, मंत्री जी का काफिला रवाना हो गया है। चल घुमक्कड़, तू मेरे साथ अगली सीट पर बैठ जा, कहते हुए खोजी जी ने मुझे धकेला। पहली बार अगली सीट पर बैठने का अवसर मिला। मन ही मन गौरवान्वित महसूस हुआ। भले ही गियर बदलते समय ड्राइवर बार बार मुझे धक्के दे रहा था। मैंने खोजी जी को देखा, वे बाकायदा तन कर बैठे थे। जीप में अगली सीट पर बैठने का अलग ही रोब जो होता है। रास्ते में मैंने पूछा, गुरु, जब प्रभावित गांवों का दौरा प्रभारी मंत्री और अधिकारीगण कर रहे हैं तो हम लोगों का अलग से विजिट करने का क्या आशय। तुम यही मात खा गए बरखुरदार, पत्रकारों के बिना मंत्री जी का दौरा क्या मायने रखता है। प्रचार तो यही लोग करते हैं, मंत्री की किसानों के आंसू पूछते हैं कि फोटो छपेगी, बदले में पत्रकारों को दावत मिलेगी, हमारी पिकनिक हो जाएगी और किसान भी संतुष्ट होकर धरने पर नहीं बैठेंगे। कहते हुए खोजी जी ने ड्राइवर को निर्देश दिया कि गाड़ी तेज चलाए। जब हम प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे तो मंत्री जी, कलेक्टर और अन्य अधिकारी बर्बाद फसल को नजाकत से स्पर्श करके अफसोस प्रकट कर रहे थे। फसल तो चौपट हो गई, मंत्री जी ने कहा। यस सर, सारी बर्बाद हो गई, कलेक्टर के मुंह से फूल गड़े। कहीं कहीं बची हुई भी नजर आ रही है, मंत्री ने खेत में दूर
तक नजर दौड़ाते हुए अनुमान व्यक्त किया। हाँ सर, मेरा ख्याल है 40% बच गई, कलेक्टर ने कृषि अधिकारी की ओर देखते हुए कहा। कृषि अधिकारी ने तुरंत अपनी गर्दन हिलाकर समर्थन प्रकट किया। 40% बच गई या नष्ट हो गई? मंत्री जी ने तीक्ष्ण दृष्टि से कलेक्टर को घूरा। कलेक्टर ने पहले खेत को देखा, फिर कृषि अधिकारी पर नजर गड़ा दी। दोनों ने मौन भाषा में तालमेल बैठाया। कलेक्टर से सीन की मुद्रा बनाते हुए बोले, आप ठीक कह रहे हैं सर, 40% बर्बाद हुई है, 20% पाले से और 20% ओलों से, 60% बच गई। दूर खड़ा तहसीलदार सोच रहा था, यदि मैं 30% खराबा बताऊं तो क्या मेरे साथ पंजीकरण विभाग अटैच कर देंगे? उस क्षण कलेक्टर की ओर देखा, फिर स्वयं गर्दन हिलाकर अपने इस प्रस्ताव को रोक दिया। मंत्री जी ने एक चने के पौधे को उखाड़कर हाथ में लिया और उसे गौर से देखने लगे। प्रेस फोटोग्राफर चौकन्ने हो गए। मंत्री जी टेढ़ी चितवन से मुस्कुराने लगे। कैमरा क्लिक होने से पूर्व ही पीए मंत्री जी के कान में फुसफुसाया, सर चेहरे को गंभीर बनाइए, हो सके तो एक दो आंसू टपका दें, फसल खराबे का विजिट है। इस दौरान कलेक्टर को भी अवसर मिल गया। उन्होंने भी एक पौधे को उखाड़कर ध्यान से देखना शुरू किया। लाल सुर्ख चेहरे पर चिंता मंडराने लगी। कैमरे की लाइट दोनों महापुरुषों को चमकी। खोजी जी सहित सभी पत्रकार और जनप्रतिनिधि डंठल बने सूखे पौधों को उखाड़कर बारीकी से देखने लगे। असल कितने प्रतिशत बची किसी का समझ में नहीं आ रहा था। बस सभी की आंखों से किसानी मातन के आंसू निकलना ही चाहते थे कि ग्रुप फोटो हो गया। मंत्री सहित सभी अनायास ही मुस्कुराने लगे। बच्चा भी रोते रोते हंसने में थोड़ा समय लेता है। आसपास के क्षेत्रों से 10-15 किसान कुछ दूर बैठे चेहरा लटकाए इन देव पुरुषों को निहार रहे थे। मंत्री और कलेक्टर की अंग्रेजी में हुई गिचपिच को बेसमझते नहीं थे, लेकिन स्वर्ग लोक से आए इन देवदूतों की कंटीली मुस्कान देख किसानों के चेहरे डरावने होते जा रहे थे। सांसारिक मोहजाल में फंसे धरती पुत्र इस वैराग्य को नहीं समझ पाए कि आखिर कोई मरगट जैसे स्थल पर कैसे हंस सकता है। अपने उजड़े हुए घर को देखकर इन्होंने तो बस आंसू बहाना ही सीखा था। वे पथराई आंखों से कभी बर्बाद हुए खेत को देखते, कभी इस उद्धारक मंडली को। कुछ किसानों ने जीर्ण शीर्ण कपड़े की रस्सियों को सिर पर लपेट रखा था, इसे गांव की भाषा में पगड़ी कहा जाता है। बेतरतीब और उबड़ खाबड़ दाढ़ी मूछ चेहरे को ढके हुए थी। मैंने खोजी जी का ध्यान आकर्षित किया। कहा, गुरु जैसे भयानक तूफान के बाद खेतों की फसल छितरा गई, वैसी शक्ल इन किसानों की है। जहां तहां फैली झुर्रियां यूं लग रही हैं जैसे इस मरु प्रदेश के सूखे नाले। किसान के चेहरे और उसके खेत में कैसी समानता है? खोजी जी ने प्रेस के फोटोग्राफर को इशारा किया। वह किसानों के निकट पहुंचकर उनके मुरझाए चेहरे कैमरे में कैद करने लगा। मंत्री जी और कलेक्टर के कदम भी किसानों की ओर बढ़ गए। एक वृद्ध किसान के कंधे मंत्री जी ने थपथपाए। पीए दौड़ कर आया, सर दस्ताने पहन लें। मंत्री जी ने उसकी बात अनसुनी करके जननेता होने का परिचय दिया। कलेक्टर ने अपेक्षाकृत साफ सुथरे किसानों से हाथ मिलाया, लेकिन ये उनका भ्रम था। मिट्टी में सने हाथों की किरकिर कलेक्टर को सालने लगी। जेब से रुमाल निकालकर हाथ साफ किया। इस दौर में कैमरा कई बार चमका। इन देवपुरुषों का स्पर्श किसान झेल नहीं सके। पथराई आंखों का जल बाहर आने को मचल उठा। मंत्री जी ने ढांढस बंधाया, किसानों को इतनी कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। सरकार तुम्हारे इस दुख में साथ है। तुमने सुना होगा कि सरकार अब कृषि पर ध्यान देगी। कलेक्टर ने पुलकित होकर कहा, जय किसान जय जवान का नारा हमारी सरकार लगाती है, आप लोग तो अन्नदाता है। खोजी जी मेरे कान में फुसफुसाए, रुमकड़ तुम्हारे प्रेमचंद के किसान कभी रोते नहीं थे, अब किसानों में कमजोरी आ गई है, क्यों ये शोध का विस्तार नहीं है? तभी सभी किसानों के साथ ग्रुप फोटो हो गया। कैमरामैन ने दोबारा फोटो खींची।
क्योंकि पहली बार क्लिक के दौरान कुछ किसान अपने आंसू पोंछते दिखाई दे रहे थे। ठीक है, सरकार आपके लिए बहुत कुछ करेगी, कहते हुए मंत्री जी अपनी गाड़ी की ओर बढ़ चले। तभी सभी अपनी अपनी गाड़ियों की ओर दौड़ पड़े। गाड़ी में बैठते एक खोजी जी ने सिगरेट सुलगा ली। एक पत्रकार ने पूछा, गुरु कहीं दावत की व्यवस्था है या ये किसान किसान का रोना धोना ही चलता रहेगा? बरखुरदार धैर्य रखो, सब होगा, समय आने दो, सांझ ढलने दो, कहते हुए दूसरे पत्रकार ने आंख मारी। एक गांव में काफिले के नाश्ते का प्रबंध था। एक युवा नेता ने व्यवस्था की थी जो मंत्री जी का चहेता था। स्त्री पुरुष सभी खड़े थे। गुलाब जामुन खाते हुए मंत्री जी पत्रकारों के बीच में आ खड़े हुए बोले, कुछ भी कहो, गांव में नेचुरल ब्यूटी है, विशेष तौर पर ओढ़नी घाघरा इस सुंदरता में चार चांद लगा देता है। जी सर, पत्रकारों के दल ने हामी भरी। वरिष्ठ पत्रकार की टिप्पणी थी, सर महिलाओं के हंसमुख चेहरे देखकर नहीं लगता कि किसान को 10% भी नुकसान हुआ है, नहीं तो गोदान की धनिया तो हमेशा गुस्से में ही रहती थी। तब तक खोजी जी ने खोज कर ली थी। ये बोले, ये सब कस्बे की उन घरानों की महिलाएं हैं जो पार्टी से जुड़े हैं, ये सब जमीनों के धंधे से जुड़े हुए हैं, हमेशा सकारात्मक सोच रखे महाशय। मंत्री जी ने खोजी जी को झिड़का। कलेक्टर ने अपनी भ्रकुटी तिरछी की, खोजी जी सहम गए। रात को पंचायत समिति मुख्यालय पर महाबोध रखा गया। खेतों की मरघट की उदासी से उबरकर सभी ने राहत की सांस ली। मंत्री जी और अन्य वीआईपी एक कमरे में घुस गए। पत्रकार दल खोजी जी के नेतृत्व में अलग कमरे में जुट गया। कुछ ही क्षणों में मधुरस का आत्मन शुरू हो गया। शराब किंग की ओर से कोई कमी नहीं थी। खोजी जी की खोज के अनुसार यही किंग अगली बार विधायक का चुनाव लड़ेगा। मंत्री जी के साथ अलग कमरे में वही बैठा था। बाहर नाच गान शुरू हो गया था। कहीं नहीं लग रहा था कि पहले पाले से और अब ओलों से फसल बर्बाद हो गई है। कार्यकर्ता भोजन पर टूट पड़े। खोजी जी ने अवलोकन करके बताया, इस राज दरबार में एक भी किसान नहीं है, एक दिन के लिए भी उन्हें खुशी नसीब नहीं हुई। तब तक दिन भर की भागदौड़ की ब्रीफ आ चुकी थी। एक एक पत्ती सभी पत्रकारों को वितरित कर दी गई। मंत्री जी के दौरे की विस्तृत चर्चा और किसानों के हमदर्द होने की कहानी थी। फसल खराबा मात्र 7% माना गया था। मैंने पूछा, गुरु फसल खराबा मापने का क्या यंत्र है, हमें तो खेत उजड़े हुए नजर आए। खोजी जी की आंखों के डोरे सुर्ख हो चुके थे, फिर भी एक घूंट भरकर बोले, बरखुरदार एक पुराना शेर तुमने सुना नहीं, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर सांस पे उल्लू बैठा है, हाल गुलिस्ता क्या होगा। इनको चढ़ गई, यहीं सोने दो, वरिष्ठ पत्रकार ने कहा और अन्य पत्रकारों के साथ विदा हो गए। उन्हें अपने अपने अखबारों में दौरे की रिपोर्ट भेजनी थी। शामियाने में नाच गाना चल रहा था। मंत्री जी कार्यकर्ताओं के आग्रह पर नाचने लगे थे। आज की